नमस्कार मित्रों, मैं हितेश वैष्णव 24 फीट क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बारिश में होने वाले जो रोग है यानी बीमारी है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो बीमारी किस प्रकार होती है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बारिश में भीगने के कारण या बारिश में मच्छर काटने के कारण होती है और उससे हमें किस प्रकार बचना चाहिए, यह पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। तो बात करते हैं गर्मी से परेशान लोग बरसात का मौसम आते ही खुश हो जाते हैं। बारिश में भीगने के अपना आनंद है, इसलिए कई लोगों को जब मौसम किसी उत्साह से कम या त्योहार से कम नहीं माना जाता। देश में इन दिनों मॉनसून का बारिश का दौर चल रहा है, बारिश अभी शुरू हो चुकी है। मॉनसून में आसमान में बरसते वाले पानी गर्मी से राहत भले ही मिलती है, लेकिन इसी खूबसूरत मॉनसून का एक पहलू और भी है जो थोड़ा डरावना हो सकता है। मॉनसून अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेके आता है, इसलिए बरसात को बेसब्री से इंतजार करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत सावधान रहने की भी जरूरत हो है। आइए अब आपको बताते हैं बारिश में के मौसम में होने वाले कई बीमारियां हैं जिससे हमें सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इन बीमारियों में जैसे मलेरिया है, हैजा है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, सर्दी, जुकाम और बुखार, ऐसी अलग अलग प्रकार की बीमारियां बारिश के कारण हो सकती है। दोस्तों, जो पहली जो बीमारी है सर्दी जुकाम और बुखार, तो बारिश के मौसम में यह बीमारी आम है। काफी देर तक शरीर में नमी रहने के कारण सर्दी खांसी के बैक्टीरिया जन्म लेने लगते हैं। इसमें सर्दी जुकाम और बुखार और खांसी जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी जो बीमारी है दोस्तों, जो बारिश के कारण आती है, उसमें है मलेरिया। तो बारिश में जगह जगह पानी इकट्ठा होता है जिसके कारण जो मलेरिया के संभावित काफी प्रबल हो जाते हैं। मादा एनेफिलीज जो मच्छर है उससे काटने से यह रोग बहुत ही फैलता है और यह संक्रमण बढ़ाता है और दुनिया के सबसे जाने वाले बीमारियों में से यह एक है। इसलिए हल से हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि बुखार या बदन दर्द के साथ आपको कपकपाहट हो रही है तो यह लक्षण मलेरिया के हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आजू बाजू अगर पानी भरता है तो दोस्तों इसको आप दवा का छंटा कीजिए या पानी को साफ कीजिए, क्योंकि पानी के अंदर यह जो एनेफिलीज जो मच्छर रहते हैं, जो मादा मच्छर रहते हैं, उसमें जन्म लेते हैं और वह अपने को जो मनुष्य को काट के यह मलेरिया की बीमारी फैलाते हैं। जो दोस्तों तीसरी बीमारी जो हैजा बोलते हैं उसे, दूषित जल और अस्वच्छता की बरसात के मौसम में यह कहीं कमी नहीं होती। इसकी वजह से फैलने वाला यह रोग जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक बन जाता है। आसपास की गंदगी जैसे फैलती है, वैसे उसमें कूड़े कचरे में यह गंदगी में पानी जो अगर भरता है और जो हम पीने का पानी उसमें से यूज करते हैं, तो दोस्तों यह जो पानी जन्य रोग है यानी पानी के साथ यह अगर हम पीते हैं, दूषित पानी को हम पीते हैं, तो दोस्तों हैजा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें आपको उल्टी आती है, पेट में तेज दर्द होगा, बेचैनी और प्यास की अधिकता आपको बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए आप आसपास की सफाई के अलावा पानी उबालकर पीना बहुत ही आवश्यक है। इस रोग के बचना बहुत ही आपको सबसे अच्छा उपाय टीकाकरण है। संतुलन भी इसे सबसे जवाबदार माना जाता है। दोस्तों इसका समय रहते ही रोगी का उपचार जरूरी है, क्योंकि हैजा जानलेवा भी हो सकता है। आगे बीमारी की बात करें तो दोस्तों टाइफाइड जो मॉनसून के दिनों की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें टाइफाइड में संक्रमित जल और भोजन में से होने वाले यह रोग को तेज बुखार आता है जो कई दिनों तक बन रहता है। ठीक होने के बाद भी यह बीमारी से होने वाले संक्रमण रोगी को पित्ताशय में से जारी रहता है। इसमें जीवन का खतरा बना रहता है। संक्रमण रोग होने के कारण टाइफाइड के रोगी को लोगों से दूर रखना बहुत ही आवश्यक है। टीकाकरण इस बीमारी को रोक सकता है। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन इस रोग के बचाने के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, तो मॉनसून में मच्छर जनित रोगों की भारी मात्रा होती है।
ऐसे ही एक और बीमारी है जिसे बोलते हैं चिकनगुनिया। दोस्तों चिकनगुनिया जो है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। इस खास तरह के मच्छर को काटने से 3 से 7 दिन के बाद चिकनगुनिया के लक्षण रोगी के शरीर में दिखाई देने लगते हैं। बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आना और शरीर पर दाने आना यह रोग का लक्षण माना जाता है। इस रोग से बचने के लिए जरूरी है कि आप बाहर बिकने वाले खुले खाने वाले पदार्थों का परहेज करें, साफ पानी पिए, अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें और ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और यह लक्षण का पता चलते ही आप डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। आगे की जो बीमारी है दोस्तों जो जिसके डेंगू कहा डेंगू है, तो डेंगू बरसात में मौसम के मच्छरों से काटने से होने वाली यह एक बीमारी मानी जाती है। तो जो पिछले कुछ वर्षों में डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा है, यह बीमारी एडीजी एजिस्टी मच्छरों के काटने से फैलती है। जो सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स का कम होना आदि डेंगू के लक्षण माने जाते हैं। दोस्तों जो साथ की जो बीमारी है येलो फीवर यानी एजिस्टी मच्छर यह फैलाते हैं यह बीमारी। और इसमें बुखार में मरीज के अंदर पीलिया के लक्षण भी दिखने लगते हैं। हालांकि यह बुखार में मामले में भारत में दिखने में दुर्लभ है। इसमें बुखार, मतली, उल्टी, सिरदर्द जैसे समस्या होने की संभावना है ज्यादातर होती है। आगे की जो बीमारी हेपेटाइटिस ए, जिसमें हैजा की तरह हेपेटाइटिस भी दूषित पानी या खाने में के सेवन में होने वाली यह बीमारी है। इस बीमारी के कारण लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसमें बुखार, उल्टी आदि समस्याओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी उसके लक्षण इस प्रकार है दोस्तों। तो यह जो बीमारी है जो बारिश के आने के बाद जो मच्छर फैलते हैं, जो दूषित पानी होता है, उसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो 8 रोग है वह फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इससे बचने के लिए हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए, स्वस्थ पानी पीना चाहिए, साफ सुथरी जगह रखनी चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर पानी भरता है उसे साफ करना जरूरी है। अगर वह पानी भरा रहेगा तो उसमें मच्छर पैदा होंगे और वह मच्छर आपको काट के इस अलग अलग प्रकार की बीमारियों का आप उसका भोग बन सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बीमारी से बचने के लिए खुद को साफ रखिए और पूरे एरिया को भी स्वस्थ रखिए और मच्छर जन्य रोगों से बचिए और पानी को भरने न दीजिए। जो बारिश का पानी है वह साफ करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपने देखा। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।